नूतन और शोभना समर, नरगिस और जगदन बाई, ऐसे कुछ माँ बेटियों के नाम हैं जिन्होंने अपने अपने समय में दिलकश एक्टिंग या आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। पर इनके अलावा एक माँ बेटी की जोड़ी है जो खूबसूरती के मामले में ब्यूटी क्वीन कहलाई। जी हाँ, मैं आरजे अनामिका रूबरू करवा रही हूँ सायरा बानो के कुछ हसीन यादों से आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। बात अगर सायरा जी की हो रही हो तो उनकी माता जी का भी जिक्र होना बनता है। नसीम बानो जी की खूबसूरत कहानी सुनने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। सायरा के जन्म के पहले की कहानी पर रुख किया जाए तो पता चलता है कि नसीम बानो ने एहसान मियां नामक एक अमीरजादे से निकाह किया था। वो नसीम के इतने दीवाने थे कि सिर्फ पत्नी के खातिर उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था। ऐसे में 23 अगस्त 1941 को चांद सी सूरत वाली बेटी सायरा का जन्म हुआ। पर भारत पाकिस्तान के विभाजन के चलते एहसान मियां ने पाकिस्तान बसने का फैसला लिया, पर नसीम ने अपने जन्म और कर्म भूमि को छोड़ने से साफ इनकार किया। कुछ समय के लिए नसीम अपनी बेटी के संग लंदन बस गई। सायरा जी की पढ़ाई लिखाई भी लंदन में ही पूरी हुई, पर जब वो भारत आती थी तो दिलीप कुमार की शूटिंग देखना नहीं भूलती थी। एक इंटरव्यू के दौरान सायरा बताती हैं कि जब वो 12 साल की थी तब हीरोइन बनने के सपने देखा करती थी और उनके सपने में भी दिलीप कुमार ही रहते थे। एक्टिंग की कला को सायरा ने बड़े मशागत से अवगत कर ली और क्लासिकल डांस भी सीख लिया। अगर माँ को पता चले कि बेटी भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है तो क्या बेटी की मदद न करती? नसीम जी अपनी पुरानी पहचान निकाल के शशाधर मुखर्जी से मिलने जा पहुंची। तो इस तरह 1961 में सायरा जी की पहली फिल्म जंगली रिलीज हुई। फिल्म न सिर्फ सुपरहिट हुई बल्कि शम्मी कपूर के साथ सायरा को भी लोगों ने खूब पसंद किया और साथ ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद उन्हें खूब सारे रोमांटिक फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। ब्लफ मास्टर, झुक गया आसमान, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, आओ प्यार करें, प्यार मोहब्बत, ये वो बैक टू बैक फिल्में थी जिनमें सायरा बानो रोमांटिक अवतार में दिखी। बात है 1963 या 1965 की। धीरे धीरे सायरा जुबली कुमार उर्फ राजेंद्र साहब पर फिदा होने लगी। एक दिन माँ को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत दिलीप कुमार से सहायता मांगी। दिलीप कुमार ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र जी एक शादीशुदा मर्द हैं, इसलिए अपने दिल से उनका ख्याल निकाल दो। पलटवार करते हुए सायरा ने तुरंत कहा, तो तुम क्यों नहीं करते मुझसे शादी? दिलीप साहब कुछ पल के लिए सदमे में चले गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक ये भनक नहीं थी कि पहली मुलाकात में ही सायरा उनसे इस तरह की बात करेगी। तब दिलीप साहब 44 साल के थे और सायरा 25 साल की थी। तो इस तरह 11 अक्टूबर 1966 को इन दोनों की शादी हुई। दूल्हे दिलीप कुमार की घोड़ी की लगाम पृथ्वीराज कपूर ने थामी थी और दाएं बाएं राज कपूर तथा देव आनंद नाच रहे थे। समय के साथ फिल्म जगत में स्पर्धा भी बढ़ रही थी, पर अन्य हसीन एक्ट्रेसेस के उपस्थिति में भी सायरा ने अपने खूबसूरती के रंग बिखेरे। 1976 की नहले पे दहला उनकी आखिरी हिट फिल्म रही। उसके बाद दुर्भाग्य से आने वाली सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी। अपने जीवन काल में 50 से भी ज्यादा फिल्में देने वाली सायरा का बुरा समय तब आया जब 1972 के दौरान गर्भवती अवस्था में लगातार काम करने के वजह से उन्होंने मृत शिशु को जन्म दिया। इसके बाद वो कभी मां नहीं बन पाई। आज सायरा जी 76 साल की हैं और दिलीप कुमार के साथ मुंबई में वो चैन की जिंदगी गुजार रही हैं। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।